तो अभी जो हमारी शूटिंग टीम है वो रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अशर हमारे एक व्यूअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और ये हमारे ही साथ के हमारे फैजान भाई, इनका भी चैनल है। तो जो हमारा सेटअप है वो रेडी है, यहाँ पर ही शूट होने वाला है। और शूट होने वाला है कि हम कैसे अपने मोबाइल से एक गन फाइट सीन को शूट कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करा जाए, स्टार्ट। ओके, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप हो सकता है ऐसी वीडियोस क्रिएट ना कर पाएं। और ये एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल से कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे एडिट करना है, साउंड इफेक्ट, कलर ग्रेडिंग और VFX कैसे लगाना है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको वीडियो को शूट कैसे करना है। तो वीडियो शूट करने के लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे देखने के बाद आप और भी अच्छे से वीडियो शूट करना सीख जाएंगे। और आपके मोबाइल में जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, तो आपको उसको ऑन करके वीडियो को रिकॉर्ड करना है, ताकि हमारी वीडियो और भी ज़्यादा स्टेबल रिकॉर्ड हो। अगर आपके पास स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि आपको वीडियो को कैसे स्टेबलाइज करना है। तो अभी आपको आपकी स्टोरी के हिसाब से कुछ वीडियोस को शूट कर लेना है, अलग अलग आपको एंगल से शूट करना है वीडियो, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको एक शॉट में बहुत ज़्यादा सीन रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर आपको इसमें एक मूवी वाला लुक देना है, तो आपको अलग अलग कैमरा एंगल से अलग अलग शॉट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब जो हमारा मेन सीन है, जहाँ पर जो कैरेक्टर है वो वीडियो में शूट कर रहा है, यानी कि गन चला रहा है, या फिर जो हमारी बुलेट्स हैं वो जाकर दीवार में लग रही हैं कहीं पर, तो आपको इन शॉट को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा बिल्कुल नकली 50 रुपए वाला पिस्टल, जो कि हमने चुपके बनाने के लिए वीडियो बना ली। तो इस सीन को शूट करते टाइम आपको इसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल शूट करना है, और एडिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए, तो आप इस पर ट्राईपॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो कमाल होगा वो होगा एडिटिंग से। तो अभी जो हमारा शूट है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो बिहाइंड द सीन आपको वीडियो देखने को मिलेगा, वो आपको इनके चैनल पर मिल जाएगा, जो कि हमारे फैजान भाई और जो उधर पीछे अशर क्रेजी व्लॉग्स, इन दोनों की मैं चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके बिहाइंड द सीन्स वीडियो पूरी देख सकते हैं। एक व्लॉग टाइप का होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अबूजर भाई के, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, वीडियो शूट अभी कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। और वीडियो एडिट करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग यूज़ करते हैं अपना काइनमास्टर। तो काइनमास्टर को अभी मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है, जो कि हमारा 16:9 वाला रेशियो रहेगा। और जो अभी आपने जितनी भी वीडियोस को रिकॉर्ड किया है, सभी को इम्पोर्ट कर लीजिए, यानी कि मैं कर लेता हूँ। तो अभी मैंने सारी वीडियोस को इंपोर्ट कर लिया है। वीडियोस को इंपोर्ट करने के बाद आप देख लीजिए आपकी कौन सी वीडियोस को आगे रखना है, कौन सी को पीछे रखना है, तो उस हिसाब से आप अपनी वीडियो को ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद सारी वीडियोस में जितना भी वॉल्यूम है, आपको सबको म्यूट कर देना है इस साउंड वाले ऑप्शन में जाकर, क्योंकि हम यहाँ पर मूवी जैसा दोबारा से साउंड डिजाइनिंग करने वाले हैं, ताकि हमारी वीडियो एकदम प्रोफेशनल लगे। और यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस क्लिप को 60 FPS पर शूट किया है, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्लो मोशन चाहिए, तो मैं उसको स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर 0.5x पर कर दूंगा, जो मेरी वीडियो की स्पीड होगी वो आधी हो जाएगी, यानी कि वीडियो 30 FPS पर आ जाएगी। अब आपको अपनी वीडियोस को ट्रिम भी कर लेना है, क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड होती है, जो कि हमारा वेस्ट पार्ट है, जो कि हमारा एक्शन से पहले का होता है, तो आपको उस हिसाब से अपनी वीडियोस को ट्रिम कर लेना है। तो अभी हमारी जितनी भी वीडियोस क्लिप थी, वो मैंने सभी सही से अलाइन कर दी हैं, जिसकी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैंने उस वीडियो को लगा दिया है। अब जो हमारी मेन वीडियो क्लिप है, जहाँ पर हमारा कैरेक्टर शूट कर रहा है गन से, तो उसको कैसे एडिट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है प्रोजेक्ट से, और आपको दूसरा न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है, और आपको सिर्फ यही वाली वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है, जहाँ पर हमारा शूटिंग वाला सीन है। तो अभी हमें इस क्लिप में VFX ऐड करना है, उसके बाद भी हमारा काफ़ी ज़्यादा काम रह जाएगा, जो कि हम बाद में करेंगे पूरी वीडियो के साथ में, जब इसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी टाइमलाइन को जूम कर लेना है, ताकि आप फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग कर पाएँ। तो अभी वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक फेक ब्लोबैक हो रहा है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है हमारी जो गन है वो रिकॉइल कर रही है, और उसके झटके से हमारा हाथ थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब वीडियो को शूट करें तो आपको ऐसा फेक एक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी वीडियो बिल्कुल फेक लगेगी। और आपने बहुत सारी वीडियोज़ या फिर मूवीज़ में देखा होगा, वो लोग भी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो शॉट जो है देखने में फेक लगता है।
तो अभी मैं एक वीडियो लेयर इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि हमारी होगी मज़ल फायर की। जैसे आपने देखा होगा जब गन चलती है तो एक फायर फ्लैश सा होता है, तो उसी को हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस फायर इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें सिर्फ इतना ही चाहिए जहाँ से लगे कि सामने से फायर हो रहा है, तो मैं बाकी का पार्ट जो है उसको ट्रिम कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा इफेक्ट है इसमें हल्का सा स्मोक भी आ रहा है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है, हमारी वीडियो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। और इसका जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं ब्लैक है, तो अभी पहले हमें क्या करना है इसको क्रॉप कर लेना है, क्योंकि ये फालतू का जो बैकग्राउंड है इसे हम पहले क्रॉप कर लेते हैं। तो आपको क्रॉप वाले ऑप्शन में चले जाना है और आपको मास्क को भी ऑन कर देना है। अब यहाँ पे आप सर्कल वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी जो फेदरिंग है यानी कि मास्क है उसको आपको हाई कर देना है ताकि जो इसकी एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएं। अब इस इफेक्ट वाली लेयर पर क्लिक कर लेना है और साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है और स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो इफेक्ट है वो स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन ये अभी सही से प्लेस्ड नहीं है, तो आपको इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है और जो हमारे गन की बैरल है आपको उसके बिल्कुल सामने से रख देना है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, जैसे ही हमारी गन थोड़ा सा पीछे हट रही है फायर करते टाइम, आपको वहीं से इस वाले मज़ल इफेक्ट को लगाना है। अगर आप पहले से लगा देंगे तो एनिमेशन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा और ये थोड़ा सा फेक लगेगा। तो एक गन शॉट पर मज़ल फ्लैश इफेक्ट लग चुका है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आपको दूसरे पर कैसे लगाना है, आपको जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लेना है इस वाले ऑप्शन में जाकर, और डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसे दोबारा से दूसरे वाले शॉट पर प्लेस कर देना है, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना है ताकि ये देखने में सेम ना लगे और ऐसा ना लगे कि हमने दोबारा से वही चीज़ रिपीट कर दी है, क्योंकि भाई गन जो है वो हर बार अलग अलग तरीके से चिंगारी निकालेगी। तो अभी दोनों ही गन शॉट पर मज़ल फ्लैश लग चुका है, देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगा है अब, लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ की कमी है जो कि है बुलेट शेल। जब हम फायर करते हैं उसके बाद जो कारतूस है वो खाली होकर बाहर गिरता है, तो उसको भी यहाँ पर ज़रूर लगाना है। तो अभी मैं लेयर वाले ऑप्शन में जाकर इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ और इसकी भी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको इसका क्रोमा की इनेबल कर देना है और जो इसका ग्रीन बैकग्राउंड है उसको आपको सही से रिमूव कर देना है। तो अभी जो इसका ग्रीन बैकग्राउंड है वो सही से रिमूव हो चुका है, लेकिन जो इसकी कलर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं हमारे सीन के हिसाब से। तो एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाकर आप अपने हिसाब से इसकी ब्राइटनेस और सैचुरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे अपनी गन के हिसाब से छोटा कर लेना है और गन के बिल्कुल साइड में इसे प्लेस कर देना है। अब आपको आ जाना है इस एनिमेशन की वाले ऑप्शन में। अब आपको एक एक फ्रेम करके इसको थोड़ा सा एनिमेट करना है और नीचे गिरते दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बुलेट शेल है वो खाली होकर बाहर गिर रहा है और फायर भी हो रहा है, बस इसमें अभी साउंड वगैरह नहीं लगा, वो अभी हम लगाने वाले हैं, लेकिन आपको इसे डुप्लीकेट करके सेम दूसरे वाले शॉट में भी लगा लेना है।
तो अभी हमारी इतनी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें पिस्टल का गन शॉट भी लगाना है, तो जो हमारा गन शॉट का साउंड इफेक्ट है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो गन वाले साउंड इफेक्ट को आप बाद में भी लगा सकते हैं, अगर आप अभी लगाना चाहें तो आप अभी भी लगा सकते हैं। तो अभी हमारी ये वाली वीडियो क्लिप रेडी हो चुकी है, अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे फुल रेजोल्यूशन के साथ में, और इसका जो एमबीपीएस है उसको भी हाई कर देंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरी वाली वीडियो क्लिप को भी पहले से एडिट कर लेना है, जहाँ पे जो हमारा बुलेट होल हो रहा है एक वॉल पर, तो मैं पहले उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब जहाँ से आपको बुलेट होल लगाना है आप इस ग्रीन स्क्रीन को इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब सेम वही प्रोसेस है, आपको इसका जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देना है, और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाकर आपको ओवरले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, या फिर स्क्रीन वाला जैसे आपका सीन पर फिट आ रहा है आप वो वाला ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सही से प्लेस कर देना है जहाँ पर हमारी बुलेट जाकर लग रही है। अब जो एक और मेन चीज़ आती है वो ये कि आपने इस शॉट को कैसे रिकॉर्ड किया है। अगर आपने ट्राईपॉड पर रिकॉर्ड किया है तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको एडिट करना, आपको बस कुछ भी नहीं करना है। या फिर अगर आपका शॉट थोड़ा बहुत हिल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको एनिमेशन की वाले ऑप्शन में जाकर इसको बार बार वहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा जहाँ पर आपका जो वॉल है वो हिल रही है। तो इस इफ़ेक्ट को भी कम्प्लीट करने के बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने वापस पुराने वाले प्रोजेक्ट में आ जाना है जहाँ पर सारी वीडियोस आपस में मर्ज हो गई थी। तो अभी जो हमारी बिना एडिट की हुई गन शॉट वाली वीडियो है आपको उसको डिलीट कर देना है, और जो कि हमने अभी अभी एडिट की है काइन मास्टर से आपको उसको इंपोर्ट कर लेना है। सेम ऐसे ही आपको बुलेट होल वाली वीडियो को भी रिप्लेस कर लेना है जो कि हमने अभी एडिट की है। अब हमें यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगाना है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से साउंड के ज़रिए हमने अपनी वीडियो को ड्रामेटिक बनाया है, और एक फ़ील आ रही है, मतलब थोड़ी डर सी फील आ रही है म्यूज़िक की वजह से, और उसमें लग रहा है कि हमारा जो करेक्टर है वो असली में फायर कर रहा है गन से। और उसके बाद जो भी विजुअल इफेक्ट्स हो रहे हैं डिस्प्ले पर वो भी हमें लगाना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा कैमरा शेक है और कहीं पे जो जर्क वगैरह आ रहा है गोली चलने के बाद, तो वो चीज़ भी लगाने के बाद हमारी वीडियो है एकदम रियलिस्टिक लगने लगेगी। तो आपको ऑडियो वाले ऑप्शन में आ जाना है, ऑडियो वाले ऑप्शन में जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा SFX का, आपको यहाँ से साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेना है जैसे आपको चाहिए। तो अभी मुझे फुट स्टेप्स के चाहिए, जो कि हमारा कैरेक्टर है वो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, वहाँ पे मुझे फुट स्टेप्स लगाना है, तो मैं उस हिसाब से फुट स्टेप यहाँ पर ढूंढ लूँगा और उनको इम्पोर्ट कर लूँगा। इसके बाद जो हमारा कैरेक्टर भागता है तो वहाँ पर हमें भागने वाले फुट स्टेप लगाना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, आपको अच्छे से वीडियो को एडिट करना है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी हाउ टू शूट एंड एडिट फाइट सीन विद मोबाइल, तो उसमें मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में बताया कि आपको कैसे साउंड डिज़ाइनिंग करना है, कैसे फुट स्टेप लगाना है, सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप उसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की, और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो अब जो हमारी बुलेट होल वाली वीडियो है उसमें भी हमें एक साउंड इफेक्ट लगाना है बुलेट इम्पैक्ट का, कि हमारी जो बुलेट है वो दीवार पर जाकर लग रही है, तो उस साउंड इफेक्ट को भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और हमें दो तीन गन शॉट साउंड इफेक्ट भी लगाना है, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है वो दो शॉट करते हुए दिख रहा है, मतलब विजुअली दिख रहा है कैमरे में, लेकिन वो ज़्यादा शॉट कर रहा है, तो हमें कैसे फील कराना है वो हमें साउंड इफेक्ट के ज़रिए फील कराना है। तो अभी साउंड इफेक्ट यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें थोड़े से विजुअल इफेक्ट्स भी लगाना है कि हमारी डिस्प्ले पर लगना चाहिए कि जो बंदा है ये फायर कर रहा है, और फायर कहीं जाकर लग भी रहा है। तो अभी जहाँ पर हमारा कैरेक्टर गन निकाल कर शूट करने वाला है, तो उसमें हम थोड़ा सा कैमरा शेक इफेक्ट देंगे ताकि देखने में लगे कि कुछ इंटेंस सिचुएशन चल रही है। तो आपको इस वाली वीडियो क्लिप पे क्लिक कर लेना है और उसको डुप्लीकेट एज अ लेयर कर लेना है। तो अभी जो हमने ये वीडियो लेयर क्रिएट किया है आपको इसे बैकग्राउंड वाली लेयर से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद आपको ओवरऑल एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके फ्लोटिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कैमरा शेक होने लगा है, ऐसा लग रहा है कि इंटेंस सिचुएशन चल रही है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी वाली लेयर के साथ भी करना है।
अब यहाँ पर हमें एक और डिस्प्ले पर थोड़ा सा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा जो कैरेक्टर है वो शूट कर रहा है तो हमारी स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है ताकि रियलिस्टिक और सिनेमेटिक फील आए। तो इस चीज़ के लिए वैसे तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में मिल जाएगी, लेकिन आपको इसे कैसे करना है, जो हमारी लेयर है आपको इसे और डुप्लीकेट कर लेना है और जहाँ पे हमारा फायर हो रहा है बस वहीं पर आपको वीडियो को क्रॉप कर लेना है और फ्लिकर वाला इफेक्ट दे देना है थोड़ा सा वीडियो लेयर को बढ़ा करके। तो वीडियो में म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, VFX सब कुछ लग चुका है, बस एक चीज़ बाकी है, वो है कलर ग्रेडिंग। तो उससे पहले आपको यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है फुल HD में और जो उसका MBPS है वो 20-25 से ऊपर ही रखिए ताकि वीडियो में क्वालिटी अच्छी आए। तो कलर ग्रेडिंग के लिए मैंने एप्लीकेशन यूज़ किया, उसका नाम है 3D Lut। मैंने आपको फाइटिंग वाली वीडियो में भी बताया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वीडियो के लास्ट में जाके देख भी सकते हैं कि कैसे मैंने कलर ग्रेडिंग की। तो आपको 3D Lut एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, बस आपको सिंगल क्लिक करना है और आपकी वीडियो में पूरा कलर ग्रेड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, यूज़र नेम है वो है @TagAbuzar, आप वीडियोज़ बना के वहाँ पर मुझे टैग भी कर सकते हैं।